जाने के बाद भी
जब तुम इस दुनिया को छोड़ दोगे ना, तुम्हारी यादें रह जाएंगी, लेकिन तुम्हारा परफ्यूम उसके बाद में तुम्हारे शिष्य शिष्य प्रशिष्य या शिष्य प्रशिष्याएं जो भी होंगे, तुम्हारी खुशबू में वो खुद भी महकते रहेंगे, और तुम्हारा संयम जो परफ्यूम के रूप में रहेगा उसके तुम कहेंगे क्या। तो ऐसा परफ्यूम लेकर के वो महासागरी संयम का परफ्यूम लेकर के, यानी कि उत्तर भारत को प्रज्वलित करने वाली वो महासागरी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और एक विशेष प्रकार से नाम दिया जाता है, यानी कि श्रद्धा के जो सुमन चढ़ाए जाते हैं, मैं कहना चाहूंगा सुमन वो फूल भी पहाड़ पे चढ़ते हैं, उससे पहले तो श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ता है। और श्रद्धा का सागर तभी उमड़ता है जैसे आप जब बलि से निकलते हैं ना, आप फैशन देकर के दूसरा कोई प्रभावित हो जाता है, आपके शहर की परफ्यूम क्योंकि उसकी देख करके, यानी कि खुशबू देख करके, अरे पता नहीं कौन सी क्वालिटी का है ना। तो इसी तरह से संतों के पास में तो एक ही क्वालिटी का परफ्यूम होता है, वो संयम, उसका नाम संयम है। हजार क्वालिटी नहीं, एक ही क्वालिटी हो बस, और वो क्वालिटी ऐसी होती है हजारों प्रकार की तुम्हारी क्वालिटी एक तरफ, और ये संयम की क्वालिटी है एक तरफ, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो कहा जाता है, आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब तक आत्मा, देखिए पुण्य और पाप, हमारी महावीरा ने जो 18 पाप बतलाए हैं और 9 पुण्य बतलाए हैं, पुण्य थोड़े हैं यानी कि 50 हैं, और पाप 100 यानी कि 18 हो गए, उससे डबल हो गए, लेकिन फिर भी कहा अगर तुम्हारा पुण्य स्ट्रांग हो गया, अगर तुम्हारा संयम स्ट्रांग हो गया, तो कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि 9 पुण्य जो है वो तुम्हारे 18 पाप को धराशायी कर देंगे। जिस प्रकार से छोटे से शरीर वाले राम और बड़े से शरीर वाले कैसे किसको रावण को धराशायी कर दिया, इतने बड़े पावरफुल शरीर धारण करने वाले को धराशायी कर दिया, तो उसी तरह से कहा ये मत सोचना है कि पुण्य तो हमें 9 ही मिले हैं और पाप हमें 18 मिले हैं। बस इतना सा ध्यान रखना, एक पुण्य की अगर आपके पल्ले से बंध गया ना, उस पुण्य की इतनी खुशबू तुम्हारे पास की होगी, अलग से पहचान होगी, पुराना श्रावक ये काम तो वही करता है ना, ये सारी का पुराना काम तो वही करता है। तो इसलिए ज्यादा लंबा समय में नहीं देना चाहूंगा, इतना ही कि दीपक को तो बड़ी आसानी से बुझा दिया जाता है, लेकिन कोई जल्दी से अगरबत्ती को बुझाने का प्रयास नहीं करता, तो बुझेगी तो अपने आप बुझेगी, क्योंकि जिसके पास में खुशबू देने की काबिलियत होती है ना, इसीलिए काबिलियत बहुत जरूरी है। लेकिन समस्या यहां खड़ी होती है कि हम काबिलियत का रोना नहीं रोते, हम किस्मत का रोना रोते हैं, किस्मत के पीछे भागते हैं। ये किस्मत हमारी लक्ष्मी की है ना, ये किस्मत हमारी बहुत सारी चीजों की है, किस्मत के पीछे कभी मत भागना, काबिलियत के पीछे भागना। रद्दी के टुकड़े आप बाहर डाल देते हैं, कहां पे गली के रद्दी के जो टुकड़े कागज के टुकड़े डाल दिए, बिना हवा के वो उड़ नहीं सकते, और कागज का बना हुआ वो आपका पत्र बिना हवा के उड़ जाता है, क्योंकि उसके पास की काबिलियत है। तो इसी प्रकार से परिवार से निकल के, समाज से निकल के, गांव से निकल के, और ऊंचा उठने के बाद में जो दीक्षित होता है, शिक्षित होता है, और दीक्षित शिक्षित होने के बाद में वो क्या है, उनके पास में जो काबिलियत आती है महावीर की वाणी की, उनके पास में जो काबिलियत आती है संयम के परफ्यूम की, बताइए उसका मुकाबला कौन कर सकता है। और ऐसी हमारी महासागरी, उत्तर भारत की सागरी, श्रवण संघ की सागरी, महासागरी जो हुई है, तो उनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही हो रहा है। और यहाँ पर मंजुल जी महाशाह
छड़ भी जो जगमास कर रही हैं और ये हर जगह यानी कि सभी को जोड़ने में लगाने में बहुत ज़्यादा परिश्रम ये करती हैं। इन साधियाँ यानी कि हमारी समृद्ध संघ की साधियाँ जो हैं हर तरह से समृद्ध संघ को प्रवीण करती हैं, मंदिर में करती हैं। तो ऐसा ही आगे भी चतुर्मास आगे बढ़ता रहे और अब तो चतुर्मास के दिन भी गिने चुने हैं, लगभग 11-12 दिन बचने से बचे हैं। तो हमारा भी यानी कि जो चतुर्मास भोजपुरी श्री संघ वहाँ पर चल रहा है, 19 तारीख को बिहार करके वहाँ से भोजपुर से हमारा बिहार करके हम पहुँचेंगे कैटवाड़ा श्री संघ के वहाँ पर। कैटवाड़ा श्री संघ की रीति यानी कि कई बार पूछी कि मास्टर आपने चतुर्मास के बाद में पहला बिहार अगर करके पहुँचना है तो कैटवाड़ा में, और कैटवाड़ा श्री संघ ये गौतमपुरी श्री संघ और शास्त्री पारक उस्मानपुर कहने को ये नाम चार है लेकिन नाम नहीं है। और गुरुदेव मेरे गुरुदेव आराध्या गुरुदेव मेरे पूछने गुरुदेव श्री उपेन्द्र महाराज उनके चरणों में हमारा भी सदीप का चतुर्मास रात 2015 का इन चारों क्षेत्रों में, क्योंकि इनकी इतनी जोरदार नीति थी कि गुरुदेव यहाँ पर आपने चतुर्मास करना जो चतुर्मास यहाँ पर रहा। बस इतना मैं प्रोफेसर के विचारों को विराम देना चाहूँगा कि आप 10-11 दिनों में और ज़्यादा बढ़ चढ़ करके यहाँ पर लाभ लें, प्रवचनों का लाभ लें, माशा जी के दर्शनों का लाभ लें। अब बहुत कम समय रह गया है, मिल करके फिर दो लाइनें बोलेंगे। सौ वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं थक गए दो चार दिन, सौ वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं थक गए दो चार दिन। अरे इतने में तो जैसे ही कार्यक्रम पूरा होगा आराम से माल पानी खाओगे, 28 तो किसी में चलती रही, आवाज किसी की आती रही, तो दिक्कत वाली जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं। और महामंत्री राकेश हैं, पूरी कार्यकारिणी यहाँ की सेवा भावी कार्यकारिणी है, हर तरह से यानी कि साधु संतों के लिए और क्षेत्र के बारे में हमेशा आगे ले जाने वाली कार्यकारिणी है। तो पूरी कार्यकारिणी को भी साधुवाद देना चाहूँगा। हर हर